कैसा लग रहा है मन्नू? ये मम्मी अपना दूसरा कुर्ता खोल रही है, बहुत ही ज्यादा गंदा शीशा है, मेरी हालत देख लो मम्मी। ये मम्मी के मैं अलग अलग पैक करवा रही हूँ, कोई मम्मी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था अपने आप ही। ये जी आ गई हमारी पहली डिश बिरयानी। यहाँ चलो है मम्मी का वीडियो सेशन। तो अभी हमने कबाब खाया है, बहुत टेस्टी था। एक एक ये अनाया का पराठा है, देसी घी लगाया है इसमें मैंने, इसको खिलाऊंगी अभी, है ना? अच्छे मजा आ रहा है। ये अनाया का पराठा और ये अनाया, है ना? अले 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 मेरा बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अनाया जी मेरे पास मस्ती किए जा रही है। क्या हो गया? ओ इनके लिए मैंने जस्ट अभी एसी चलाया ताकि रूम ठंडा हो जाए और इनको सुला दूं, है ना? निन्ना करोगी? तो बस जा रही हूँ अभी, मम्मी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था क्योंकि मदर्स डे आज है। मेरी मम्मी बोल रही थी कि मदर्स डे कल है, उनको गलत फहमी थी, बट मदर्स डे आज है। तो मुझे भी यही पता चला कि मदर्स डे आज है, तो मैं मम्मी के लिए प्यारा सा सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। तो इसके लिए उनके लिए छोटा सा सरप्राइज लेने के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हूँ, पास से ही ले सकती हूँ, तो यहीं पास से ले लेते हैं। उनको पता नहीं है इस सरप्राइज के बारे में, रात को पता चलेगा। मौसम कितना अच्छा हो रहा देखो, कबाड़ी बाजार में मैं घूम रही हूँ। बैठ गई हूँ मैं ई रिक्शे में, थोड़ा सा सामान लेना था मुझे, ले लिया मैंने। और बात क्या हवा लग रही है, मतलब नीचे आई हूँ और इतनी गर्मी है, हालत ख़राब हो गई, पसीनों में तरम तर हो गई हूँ मैं। तो जल्दी से जाती हूँ मैं गुलशन विमान से, जो सरप्राइज लेना मम्मी के लिए ले लेती हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आप लोगों को तो मैं सब दिखाऊँगी, मम्मी को कुछ नहीं दिखाऊँगी, उनके लिए सब कुछ सरप्राइज है। मम्मी मुझसे पूछ रही थी, बेटा तू कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगी। तो मुझसे कहती है कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है? उनका डाउट अलग अलग चल रहा था बट मैंने उनको फिर भी नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ। दिस इज सरप्राइज नहीं बोलने का। बहुत सुंदर चीज है वो, ये वाला कलर, फैब्रिक भी बहुत सुंदर है। ये वाला कलर दे दो, वो जान दो, काले काले बहुत। ये ले लूँ तो इसको पैक पन्नी में दो ढंग से, जान दो मैं पैक कर आऊँगी। मम्मी का गिफ्ट मैंने ले लिया है, तो ये लिए मैंने मम्मी के लिए दो कुर्ते। ये देखो एक ये है, हाँ वो अच्छा है। एक ये वाला कुर्ता लिया है, एक ये लिया है, और ये मैं पैक करवा रही हूँ बढ़िया से अच्छे से, फिर मम्मी को दे दूँगी। ये मम्मी के मैं अलग अलग पैक करवा रही हूँ कुर्ते, इसको अलग कराऊंगी ताकि वो खुश हो जाए देख कर। हैप्पी मदर्स डे लिख देना ठीक है। मम्मी का गिफ्ट ये था फ्रेंड्स, देख लो। ये मम्मी के लिए मैंने केक लिया, ये मम्मी के गिफ्ट्स हैं, वो तो आपको पता ही है क्या है। ऊपर जाके तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए अभी बोल रही हूँ, ये सब छुपा दूंगी मैं। आई होप मम्मी की नज़र ना पड़े। मम्मी मुझसे बार बार पूछ रही थी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये वो फलाना टिम, बट मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। वो मुझसे बार बार पूछ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा शीशा है, मेरी हालत देख लो मम्मी। पता है मुझसे क्या बोल रही, कहती है तू बिना मकसद के इतनी गर्मी में बाहर। मैंने कहा यस, हम बिना गर्मी इतनी गर्मी में निकल गए क्योंकि सिर्फ मैं अपनी मम्मी को आज के दिन स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं फील कराया तो कभी ना कभी अपनी माँ को स्पेशल फील कराएं, क्योंकि माँ ही एक जिंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया होता है। काफी लोग अपने मतलब भूल जाते हैं कि माँ बाप ने हमें पैदा किया है, माँ बाप की वजह से ही तुम पैदा होके ना अय्याशी कर रहे हो। तो पहले माँ बाप को इज्जत दो, बाद में अपनी अय्याशी दे दो। छोटा सा ज्ञान था, अच्छा लगा तो बता देना। मम्मी के रिएक्शन, मम्मी को तो कुछ बताना नहीं है, कैसे लेके जाऊँ अंदर, क्या बोलूंगी क्या। हाँ ये वाला अंदर रख दो ध्यान से, केक है इसमें ठीक है। आप तैयार नहीं हुई? ये मम्मी गिफ्ट है ठीक है। केक रख दिया संभाल के आपने? हाँ ये किसी स्पेशल बंदे के लिए खास। और ये देखो, ये मेरी माँ है और इनकी माँ का भी कॉल आ रहा है, आवाज सुनवाते हैं। सलाम नानू, हैप्पी मदर्स डे नानू। नहीं नहीं नानू, एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी थी, वो आपको कल पता चलेगा मैं क्यों बिजी थी। अच्छा।
ठीक हो आप? प्लान सक्सेसफुल। मैंने मम्मी को बोला कि ये केक दीप के लिए है, और मतलब दीप के लिए मैं स्पेशल काटना चाहती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत सही हो गई और मम्मी मान भी गई। और ये मैंने बोला ये वाला गिफ्ट जो है ना ये भी दीप के लिए है, तो इसकी वजह से मम्मी मान गई। अभी तो खैर टल गया है कि केक अंदर चला गया है और ये रखा हुआ है, तो 12 बजने से पहले ही काटेंगे। बट अभी जब सब घर में होंगे ना, सब जागे हुए होंगे, तब केक काटूंगी। अमान शायद नहीं है, अमान को देख लेते हैं। हाँ देखो अमान नहीं है घर में, और अभी दीप भी आने वाले हैं, तो बस जब वो आ जाएंगे तो जब ही मैं ये सेलिब्रेशन करूँगी, अभी नहीं करूँगी। ये जी मम्मी का केक, निकालो निकालो इसे निकालो। ये जी मम्मी को नाम नहीं दिखाया, देख लो। लाओ लाओ। ये दीप का गिफ्ट। हैप्पी मदर्स डे, ये आपका गिफ्ट है। ये केक भी आपका है, देख लो हैप्पी मदर्स डे लिखा है। थैंक यू मम्मी को, मुझे लगा बर्थडे है। मम्मी को मैंने ना पूरा वो बना दिया, मैंने कहा मम्मी आज दीप के लिए गिफ्ट लाई हूँ मैं, उनकी तबीयत बड़े दिन बाद ठीक हुई है। हाँ, कैसा लगा? बहुत टेस्टी कह रही गिफ्ट को। ये आपका गिफ्ट है, ये आपको अभी पब्लिक के सामने खोलना पड़ेगा। और ये चलिए एक मिनट रुक जाइए। हैप्पी मदर्स डे, तालियों बजा रहे। अपने आप ही मेरे हाथ गंदा है ना थोड़े से, इसके लिए। अब बारी है दीप की केक खाने की। यहाँ कंफ्यूज हुई मेरे को, बट वहां तक मेरा दिमाग नहीं गया था। आपका वहां तक नहीं गया था, हमारा तो चला गया। पता है मुझसे क्या बोलती है दीप? कहती है कि तू कहाँ गई है, बस मुझे ये बता दे। है मुझे ना तुझ पर डाउट हो रहा है, तू कभी इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाती। अब ये कौन है? चलो जी, साथ ही साथ हमारे भाई भी आ गए। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहाँ से भागते हुए आ गए हो? इन्होंने मुझसे बोला 2 मिनट में आ गए, 2 मिनट से आधा घंटा हो गया इस इंसान को, तो इसलिए हमने केक काट लिया। चलो जी मम्मी खिला दो इनको भी। इनको आपको नहीं, आप इनको आपको खिलाना चाहिए। हाँ तो आप खिलाओ, मेरी माँ का मदर्स डे खिलाओ। बावले उल्टे ये मम्मी काट रही थी उल्टा चाकू से। ये मम्मी है भाई, इसको कहते हैं मेरी माँ। खिलाओ यार। पोपटला मम्मी, ये छोटा सा सरप्राइज आपके लिए मेरी और दीप की तरफ से था, हम दोनों ने प्लान किया था। एक्चुअली वो थोड़ा बिजी थे तो मैंने कंप्लीट कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? ये तो मतलब पता ही नहीं। आप लोगों को भी बोलूंगी भाई अपने माँ बाप को टाइम दो, क्योंकि माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे पापा नहीं है बट मेरी मम्मी सब लोगों के बराबर है। थैंक यू सो मच फॉर नाइस, मतलब एक अभी गिफ्ट खोल के गिफ्ट भी खोलना है इन्होंने। कैसा लग रहा मन्नू? ये देखो शीशे में लगा के देखो, शीशे में लगा के देखो। ये जीन्स के साथ पहनने के लिए फुल साइज है आपका। ये वाला भी खोल के देख सकती हैं आप, ये भी बहुत प्यारा है। देखो ये पहन लो। ये मम्मी अपना दूसरा कुर्ता खोल रही हैं। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है ना। आराम से खोलो मन्नू, मन्नू इधर की तरफ है। क्या मम्मी आप मेरे लिए कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ ये कुर्ता देखने में बिजी है। थैंक यू सो मच यशु, और बस इतना थैंक यू नहीं चाहिए। बस आपका प्यार काफी है, आपने मुझे ही दिया है। बट ये सरप्राइज मैंने, ये अनोखा है ना, ये वाला कभी नहीं किया था। है ना, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये कैसा अच्छा लग रहा है बताओ? कैसा ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है बताओ, जल्दी से बताओ। है ये ना क्यूट है, कलर अच्छा लगे, कलर अच्छे लगे। अब मैं जा रही हूँ मम्मा को डिनर पे लेके, तो चलते हैं डिनर पे। थोड़ा रेडी हो जाऊँ या यही अच्छा लग रहा है? मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, बट मम्मी कहती हैं कि ये ओल्ड फैशन है। दीप भी बोल रहे थे कि ये बहुत पुराना लग रहा है यार, ऐसा होता है? नया टॉप पहना है मैंने, इतनी बेइज्जती मेरे टॉप की कभी किसी ने नहीं की आज तक। कैसे हो दीप? बाल कटवा के कैसा फील हो रहा है? क्या तो जी, ये शीशा टूटा हुआ है और हमारी पलटन जा रही है डिनर करने के लिए। सुमित भाई, दीपू, मैं और मम्मी। हम दीपू तो दिख ही रहे हैं ना, दीपू आज बाल कटवा के आए हैं। उन्हें अच्छा फील हो रहा है आपको? और मुझे देख लो, मैंने खाली कच्चे पे ना ये टी शर्ट बदल ली, प्रॉपर और कुछ नहीं पहना इसका पूरा। थैंक यू, मैंने आज लाल लिपस्टिक लगाई है और अच्छा, इनको बहुत गर्मी लग रही है, इनको बहुत गर्मी लग रही है भाई। मैंने बोला है
भाई गर्मी है, पसीने में हो गए। आ गए हम जहाँ पे हमें आना था, ये रहा आउट। 1590 है ना, 1590 डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ आ गए, बट हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, तो वेट करने के बाद ही अंदर जाएंगे। हमारी गलती है कि हमें पहले से बुकिंग करानी चाहिए थी, हमने नहीं करवाई, जल्दबाजी में आ गए। तो जी हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल रसगुल्ले खाने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे हाफ एन आवर लगना है, तो इसके लिए जा रहे हैं। रसगुल्ले खा लेते हैं, थोड़े से खाएंगे आप गुलाब जामुन कुछ? मुझे खाना ही खाना है, इनको खाना खाना है, मुझे रसगुल्ले भी, क्योंकि रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने तो पेट चलो जी वापसी बाहर आ गई थी, वापसी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वेटिंग वाला टाइम खत्म हुआ या नहीं। फाइनली हम लोगों को जगह मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है और ऑलरेडी मतलब सब टेबल वही होता है, बिजी होते हैं, तो भी फाइनली टेबल खाली हुआ तो हम लोगों को मिल गया। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आए 18 सेक्टर में आउट 1590, तो आना यहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी तक तो खाना नहीं चखा है, खाली ये है, बट ये है कि यहाँ का जो मतलब एक एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे महल में बैठे हुए हैं, है ना, महल जैसा फील हो रहा है। तो आना कभी अगर आप लोगों को मन करे तो। यहाँ चल रहा है मम्मी का वीडियो सेशन, और मम्मी खुद ही वीडियो बनाने लग गई, मुझे बताया भी नहीं। और यार ये ग्लास देखो कितना मस्त लग रहा है, ये मैं पेन कब चला मेरे हाथ पे पता नहीं, देखो बढ़िया लग रहा है ना गिलास, कैसा लग रहा है आपको? तो अभी हमने कबाब खाया है, बहुत टेस्टी था, एक एक पीस सबने खाया, बट अच्छा था, टेस्ट था, बट थोड़ा सा स्वीट था, और आप सब लोग जानते कि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। बस अभी हमारा मेन कोर्स आया नहीं है कुछ भी, अभी स्टार्टर था। ये जी आ गई हमारी पहली डिश बिरयानी, एंड ये वही भूख लग रही है मम्मी, मम्मी तो वीडियो बना रही है। चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट करेंगे सब साथ में, है ना। खाना कैसा लगा ब्रो बताइए, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? सही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट मुझसे खाया नहीं जा रहा। खाना बड़ा औसम था, बट मेरा पेट बहुत भर गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत मतलब इतना मैं कम खाती हूँ ना, इसके लिए मैंने ले ज़्यादा लिया था, वही गलती है, बट खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग निकल रहे हैं, फाइनली घर पहुँच गए हम लोग, और थक गए बहुत ज़्यादा, और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ये कुत्ता मुझे मत देखो तुम, ओके okay?